हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं जी? अभी मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और ये है शाम का टाइम। तो यहाँ पे मैंने गाजरों को अच्छे से पील कर लिया, उनको वॉश भी कर लिया, उनको छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट लूँगी और मैं इनको ना कद्दूकस नहीं करने वाली हूँ और इनको मैं हैंड ब्लेंडर में ब्लेंड कर दूँगी। उससे क्या बहुत ही बारीक और बहुत ही अच्छा एक ना मतलब कद्दूकस से भी अच्छे हो जाते हैं ये। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे पीसेस मैंने काट लिए हैं इनके। और आज भी मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, बस थोड़ा सा इतना गाजर लेके आए थे, 2-3 दिन हो गए थे रखे हुए, तो मैं बस हलवा बना रही हूँ उनका। और कुछ रीज़न भी है, आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है गाजर का हलवा बनाने का। और वैसे भी ना सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एकदम फ्रेश फ्रेश गाजर आती हैं और सर्दियों का हल्का हल्का सा कोजी कोजी सा जो मौसम होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। हल्की हल्की सी ठंड होती है, यहाँ पे तो ज़्यादा होती भी नहीं है गुजरात में वैसे तो, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ठंडा मौसम होता है उसमें अच्छा लगता है इस तरह से ना खाना बनाना। खाना खाना बहुत अच्छा लगता है गर्मा गर्म। तो ये देखिए मैंने इनको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया और काफ़ी एकदम बारीक सा बन जाता है ये, तो काफ़ी अच्छा लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया है घी, देसी घी लिया मैंने। और कढ़ाई अगर नॉन स्टिक हो तो और भी अच्छी बात होती है क्योंकि उसमें बिल्कुल भी जो है हमारा गाजर का हलवा लगता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई यहाँ पे नहीं है, तो मैं ये जो मेरे पास कढ़ाई है इसी में मैं बनाऊँगी। तो तकरीबन 1 किलो गाजर है मेरे पास, तो मैं और इसमें 1.5 लीटर दूध जाएगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा मलाई यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने इसमें 1 लीटर ही दूध ऐड किया था और मलाई मैं इकट्ठी कर लेती हूँ। जैसे 2 दिन की मलाई काफ़ी हो जाती है मेरे पास, तो मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको ना अच्छे से एकदम ना ड्राई ड्राई होने तक भूनना है ताकि इसकी अच्छे से खुशबू आनी शुरू हो जाए ना, तब तक इसको भूनते रहेंगे। और देखिए मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है अभी, और देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया ना ऊपर, एकदम ना घी और जो दूध की मलाई होती है ना वो ऊपर आनी शुरू हो गई है, तो बहुत अच्छा इसका कलर भी बन के आएगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। और मुझे ना गीला वाला जो मतलब गाजर का हलवा होता है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, मुझे एकदम ड्राई सूखा सूखा सा जो गाजर का हलवा होता है ना वो मुझे अच्छा लगता है। बस इसमें इसको ना मैं अब लगातार चलाती रहूँगी ताकि ये ना नीचे लग जाए और ना ही साइडों में लगे, और साथ के साथ जैसे छुड़ाती रहूँगी साइडें भी इसकी। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये सूखने लग गया अब। और अब इस जगह पे मैं आके इसमें चीनी डाल दूँगी, तो ज़्यादा चीनी की भी ज़रूरत नहीं है, 5 से 6 चम्मच काफ़ी होंगे। और साथ में इलायची पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो ये देखिए काफ़ी ड्राई ड्राई हो गया है, ये एकदम से अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और अब मैं लगाऊंगी अपने बाल गोपाल को, अपने भगवान को भोग लगाऊंगी। और बीच में ना कुछ काम आ गया था तो मैं आके कहा शूट नहीं कर पाई बीच का मतलब, तो इसकी वजह से मैंने आपको एकदम से लास्ट का दिखा दिया। तो और 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, बुखार आ रहा है मुझे, तो मेरे से हो भी नहीं रहा है ज़्यादा काम और ज़्यादा व्लॉग भी मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो बस जो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था वो आपके साथ शेयर कर दिया है मैंने। बस अब शाम का टाइम तो वैसे हो ही गया था, चाय भी हमारी मतलब पी ली थी हमने, और अभी थोड़े से कपड़े मैंने वॉश किए थे उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और आजकल ना ये जो बेड था ना ये किचन के सामने रहता था, मैंने इसको वापस यहाँ पे लगा दिया है। बस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ, मुझे यहाँ पे वैसे पसंद भी नहीं आता, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए मैंने इसको आजकल यहाँ पे कर दिया है। बस ये फटाफट से थोड़े से कपड़े उनको फोल्ड कर देती हूँ बैठे बैठे। और वैसे मैं सोच रही थी कि आराम करूँ क्योंकि मतलब तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है मुझे, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है बुखार की वजह से। बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत काम करती हूँ, थोड़ी बहुत मतलब हिम्मत करती हूँ अपने अंदर से। और ये है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग हो गई है, तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी किया है और काफ़ी लेट करके मैं उठी थी, तकरीबन 8:30 या 9 बजे के करीब ही मैं उठी थी आज के दिन। और रात को मुझे काफ़ी बुखार था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही बुखार हो गया था रात को, तो लेकिन सुबह मेरे से उठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। गर्मा गर्म पानी पीऊँगी यहाँ पर मैं। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, तो वही झटपट वाला नाश्ता बनाने की कोशिश करूँगी ताकि पेट भी भर जाए, ताकत भी आ जाए। तो उसमें सबसे बढ़िया रहता है
दलिये की खिचड़ी जो कि बहुत ही ताकतवर होती है। तो मैंने यहाँ पे दाल को साफ़ कर लिया है, मसूर की और चने की दाल ली है, इसको मैं अभी अच्छे से वॉश कर लूँगी। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ जो है दलिये की खिचड़ी शेयर की थी, लेकिन उसमें मैंने आपको रेसिपी नहीं बताई थी कि किस तरह से मैं बनाती हूँ, तो मुझे कमेंट भी आए थे एक दो। तो देखिए मैंने दाल को यहाँ पे अच्छे से चुन लिया है, उसको वॉश कर लूँगी अभी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो गर्म पानी किया था वही इसमें ऐड कर दूँगी। तो अगर आपके पास टाइम होना था तकरीबन आधा एक घंटा दाल को भिगो के रखेंगे ना, तो और भी अच्छे से दाल जो है भीग जाती है और ज़्यादा बिसल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दलिया तो एक बिसल में ही हो जाता है, तो दाल भी हमारी आराम से हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दाल को रख दिया ढक के, और मैंने अभी तक ना शावर भी नहीं लिया था क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी शरीर में। और यह टमाटर मैंने वॉश करके रात को रखे थे, तो इनको भी फ्रिज में रख देती हूँ, और बस इतनी देर में बाकी की तैयारी भी मैं कर लूँगी। यहाँ पे जैसे मुझे टमाटर और प्याज कट करना है, थोड़ा सा अदरक डालूँगी उसमें, और हरी मिर्ची ये सब काट के रखूँगी। तो मैं यहाँ पे दलिया ढूँढ रही हूँ, दलिया मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है। तो चलिए मिल ही जाएगा, इतना तो आइडिया है कि दलिया है घर पे। तो बस देखिए दलिया मिल गया, तो आधी कटोरी दलिया की और आधी कटोरी मैंने मसूर की और चने की दाल ली है, तकरीबन एक कटोरी मैंने कर लिया दोनों की मिला के। और यहाँ पे हस्बैंड जो है डेजी को बाहर लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, तो आज उसको भी बाहर लेके जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया है। और दूध भी देखिए काफ़ी देर का आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए अभी किचन में हूँ तो दूध भी गर्म कर लेती हूँ, और कचरा भी बाहर रखना था तो वो भी रख देती हूँ, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो कि सुबह सुबह करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और बाहर आई तो हस्बैंड ने बोला कि गार्डन में बहुत ही ज़्यादा जो है कबूतरों के पंख हो गए, तो थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू लगा दे। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे नहीं, मेरे से तो नहीं हो रहा है, दीपा को बोलूँगी, लेकिन दीपा भी ना बहुत लेट आती है आजकल, तो मैंने सोचा कि चलिए वो बोल भी रहे हैं और गंदा भी लग रहा था गार्डन, तो थोड़ा सा यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ। तो बस वो हल्का फुल्का से यहाँ पर जो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिखते हैं ना, एकदम डीप से नहीं कर पाऊँगी आज, तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इसको साफ़ कर देती हूँ। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी देखिए तबीयत अच्छी नहीं हो, मन अच्छा नहीं हो, तो काम करना भी बहुत भारी लगता है, लेकिन चलिए थोड़े बहुत जो पत्ते थे और कबूतरों के पंख थे वो मैंने फटाफट से यहाँ पे साफ़ कर दिए हैं। और फिर जब ना काम करने लग जाओ ना, तो फिर हटा भी नहीं जाता है, मेरी तो ऐसी आदत है कि एक बार लग जाती हूँ ना तो हटा नहीं जाता, फिर मेरी सेहत से मुझे मतलब वो भी नहीं होता है। हालांकि थकान काफ़ी हो रही थी, लेकिन फिर मैं बाहर आई तो बाहर देखा कि बाहर भी झाड़ू लगाने वाला आज भी नहीं आया था, तो थोड़े से पत्ते वहाँ थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए। और इतनी धूल मिट्टी होती है ना जब से ये काम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, घर के अंदर भी पूरी धूल मिट्टी आती है चप्पलों और मतलब जूतों के साथ। तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा मैंने साफ़ कर दिया ताकि थोड़ा अच्छा लगे आगे से। वैसे तो सोसाइटी की तरफ से साफ़ सफाई करने के लिए आते हैं ना, लेकिन वो भी कितना करेंगे, घरों का काम चल रहा है, पूरी लेन बन रही है, तो डेली वो बजरा रेती सब कुछ आता है, तो हर रोज़ यहाँ पे धूल मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। डस्टिंग भी मेरे को मतलब कई बार तो दिन में दो बार करनी पड़ती है। तो देखिए हस्बैंड ने गाड़ी को साइड में लगा के रख दिया था आज, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी थी, तो सोच रहे थे कि वो साफ़ सफ़ाई करने वाला आएगा तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, लेकिन आज भी नहीं आया था वो। तो मैंने थोड़ा सा आगे करके झाड़ू लगा दी, और जो पत्ते वगैरह गिरे हुए थे ना नीचे और थोड़ी थोड़ी सी रेती थी उसको भी मैंने बिल्कुल साइड में कर दिया, ताकि थोड़ा जो है घर के अंदर धूल मिट्टी डस्ट कम आए, रेती वगैरह बहुत मतलब होती है यहाँ पे, तो वो भी थोड़ी सी साफ़ हो जाए और घर के अंदर कम आए। थोड़ा बाद में दीपा को बोलूँगी, थोड़ा सा पानी डाल देगी तो उसकी वजह से भी थोड़ा बैठ जाएगी धूल मिट्टी। तो चलिए मैं वापस आ गई हूँ किचन में, और देखिए खिचड़ी बनाते बनाते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, बीच में कचरा रखने गई थी, कचरा रखते रखते ये सब काम करके आई हूँ। तो अभी चलिए लगाते हैं खिचड़ी में छौंक। मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल यूज़ किया मैंने यहाँ पे, तो सबसे पहले प्याज को ऐड कर देंगे, और जब प्याज ना अच्छे से भुन जाएगा ना तो उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं, और अदरक और मैंने हरी मिर्ची भी काट के डाली है इसके अंदर, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और अच्छे से जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाए ना तब तक उनको पकाना है,
और उसके बाद फिर इसमें डालेंगे मसाले, जैसे हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, नमक हो गया, ये सब हम उसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी दालें, और तकरीबन आधा घंटा हो गया था दालों को, तो अच्छे से भीग भी गई थी दालें, क्योंकि मैंने उनको गर्म पानी में डाला था, तो उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी दलिया। तो दलिया को भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हल्के से वॉश कर लेंगे ना एक दो पानी से, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और बस अब 2 से 3 व्हिसल लगाने की ज़रूरत है, जल्दी से झटपट से बन जाएगा हमारी दलिए की खिचड़ी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। और थोड़ी सी पतली पतली हो ना तो और भी अच्छी लगती है, बस ऊपर से देसी घी डाल के खाओ, और एक बार ज़रूर घर पे बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद आई है, जब से मैंने इसको खाया है ना तब से मुझे बहुत पसंद आती है। पहले मैं मीठा दलिया बनाती थी, वो भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनता था और सबको बहुत पसंद आता था, बच्चों को भी बहुत पसंद आता था, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार तो हमारे यहाँ नाश्ते में बन ही जाता था। लेकिन अब मैंने ये वाली खिचड़ी खाई है, भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो ये देखिए बन के भी तैयार हो गई है। और देखिए कितनी अच्छे से ना पतली पतली सी बनाई है मैंने, ज़्यादा सूखा नहीं बनाया, लास्ट टाइम थोड़ी सूखी बनी थी तो वो थोड़ी खाने में अजीब सी लग रही थी, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड किया था इसमें, तो ये काफ़ी अच्छी बनी है। और चलिए अभी फटाफट से करते हैं नाश्ता, क्योंकि भूख भी लग गई थी और थोड़ा बहुत काम भी मैंने सुबह किया था, साफ़ सफाई वगैरह, तो फटाफट से सर्व करते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा इसमें डालेंगे देसी घी, उसकी वजह से ना और भी टेस्टी लगती है ये।